यानी 1182 में इसने क्या किया, भंडारों का दमन किया। भंडारक कौन थे वो याद में, कोई प्रदेश सतलज नदी के आसपास आने वाली विदेशी जाति थी, लुटेरी जाति थी, लूटपाट मचाया करती है, इससे भारतीय लोग परेशान होते हैं, शिकायत करते पृथ्वीराज चौहान से और पृथ्वीराज चौहान ने काम से कर दिया। कितने लोगों का काम से जा दिया, जयचंद गैंडवाल और बंडानको का भी दमन कर दिया, किसने, आपके पृथ्वीराज चौहान ने। सोना युद्ध के बारे में सुनना, महोबा का युद्ध, कौन सा महोबा या तुम्हें का युद्ध, इसके बारे में आपके सामने मैं यहाँ पर आपको दो तीन क्वेश्चन बताएंगे। ये भी कब होता है, 1100 महोबा या तुम्हें का युद्ध 1182 में होता है। किसके खिलाफ होता है, तो परमार देव ये चंदेल अपने आप को बहुत बड़ा धूम का आसन करा था, यानी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता था, जिसके कारण महोबा या तो मुल्क का युद्ध होता है परमार देव वर्सेज पृथ्वीराज चौहान धरती के बीच में। इस युद्ध में मित्रों आपने दो क्वेश्चन सामने लेकर आया, ध्यान से सुनना। इस युद्ध में चौहान की तरफ से भाग ले रहा है खंडेराव, जो इसका क्या है चौहान की तरफ से भाग ले रहा है भुवनमल, जो इसका क्या है चौहान की तरफ से भाग ले रहा है आपका कदमवास या कैंपास, जो इसका क्या है चौहान की तरफ से भाग ले रहा है चंद्र बदल, जो इसका सलाहकार है भाग ले रहा है। इधर मित्रों परमादिदेव की तरफ से लड़ने के लिए दो ही व्यक्ति आए थे, एक का नाम था अल्लाह और अल्लाह और पृथ्वीराज की सेना के नाक में दम करता लोहे के चने चबाई थी। दोनों व्यक्ति इतने शक्तिशाली थे और लड़ते हुए जूझते हुए इसी महोबा के युद्ध में आपके अल्लाह और पुत्र वीर गति को क्या मित्रों, अल्लाह और पुत्र के बारे में पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि अगर अल्लाह और पुत्र जैसे मेरे पास वीर सेना गति होते तो मैं आज भारत का नहीं पूरे इतने भयंकर थे आला और आला और बुद्धल के बारे में याद करना। आज भी उत्तर प्रदेश में आला और बुद्धल उत्सव मनाया जाता है, आपने देखा होगा, स्पेशल जैसे गणगौर का मनाते हैं हम, अपना होली का मनाते हैं उत्सव मनाते हैं ना हम लोग, पतंगबाजी का मनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही आला और बुद्धल का क्या मनाते हैं उत्तर प्रदेश में उत्सव मनाया जाता है और उनकी मूर्तियाँ लगी हुई उनका मेला लगता है। बहुत तकड़े वीर सेनापति थे इन दोनों के लिए आपने स्वान ने क्या कहा कि अगर ऐसे वीर मेरे पास अल्लाह और जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं दुनिया भारत का नहीं बल्कि दुनिया का राजा होता, विश्व का राजा होता। और तो इसी दुनिया का मौका कि ने जीत गए पीछे होता है भंडार को हरा दिया, इधर साल परमार देव को हरा दिया, जयचंद गढ़वाल को हरा दिया, अरे अपने आप से घमंड पैदा हो गया, पता नहीं तो क्या हो गया। और आपको पता है घमंड क्षमता नहीं, एक दिन घमंड का अंत जरूर होता है। अभी मित्रों आपके सामने एक बात मैं और रखूंगा, एक व्यक्ति है भीमदेव सेकंड, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया है कि गुजरात का राजा है भीमदेव सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान की दिशा संदेश मैंने बताया, और अभी सोमेश्वर चौहान तो सॉरी भीमदेव तो जिंदा है और इधर चौहान बन गया राजा। तो मित्रों यहीं पर मैं बात करूंगा अबू की,